नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक जी में। दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपके लिए अच्छी सी ट्रिक लेकर आया हूँ, यानी कि फ़ोन की ऐसी सेटिंग जिससे आप आपका जो इंटरनेट का स्पीड होगा 4G से 5G हो जाएगा। यानी कि अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, आपके में अच्छी सी स्पीड नहीं आ रही है, यानी कि अगर आप 4G का सिम यूज़ कर रहे हैं अच्छी सी स्पीड नहीं आ रही, तो मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी 4G की यानी 5G की स्पीड आएगी आपके फ़ोन में। यानी 4G का सिम यूज़ करें तो 5G की स्पीड आएगी, अच्छी सी अच्छी स्पीड आएगी। अगर आप गेमिंग करते होंगे तो आपके फ़ोन में पिंग आती होगी, यानी अच्छी से गेमिंग नहीं कर पाते होंगे, या फिर आप ब्राउजिंग या फिर यूट्यूब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स देखते होंगे, तो आपका जो फ़ोन होगा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता होगा, यानी अच्छी सी स्पीड नहीं आती होगी। तो आज मैं आपको एक अच्छी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपके फ़ोन में 5G जैसी स्पीड आएगी, यानी कि आपका फ़ोन 4G होगा तो आपकी फ़ोन में 5G जैसी सेटिंग आएगी, यानी स्पीड आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना होगा। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग है उसको ओपन कर लेना होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर लिया है, तभी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेरा ऑप्शन है ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, आपकी में या फिर सिम कार्ड के नाम से होगा या फिर मोबाइल नेटवर्क के नाम से ऑप्शन होगा, तो इसको आप ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेरा ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, या जियो का ऑप्शन जो आ रहा है, यानी ठीक जियो का यानी जो मेरी सिम पड़ी हुई है, जियो की सिम पड़ी है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको भी ऑप्शन कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये वाला ऑप्शन जो है एसएस पॉइंट नेम का। ठीक, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद में आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे एपी न्यू एपीएन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिए जो नीचे लिखा हुआ न्यू एपीएन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो बहुत सारी सेटिंग यहाँ से करनी होगी। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान से करना होगा। ठीक, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है नेम का, ठीक, तो आपको इसमें नेम में डालना होगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ जियो 4G। ठीक, फिर आपको स्पेस देना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा आपको कैपिटल में PLUGIN। ठीक, तो आपको प्लगिंग यानी जियो 4G प्लगिंग आपको यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए स्पेस आपको जे कैपिटल लिखना है, जे कैपिटल IO 4G प्री स्पेस प्लगिंग का पी कैपिटल LUGIN। ठीक, PLUGIN। ठीक, तो यहाँ पे आपको डन कर देना होगा। इसके बाद आपको एक सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए ये नीचे लिखा हुआ APN। ठीक, तो आपको APN पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा कैपिटल A00, यहाँ पे देखिए 00, फिर आपको 6। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको फिर थोड़ा सा एक स्पेस देना होगा, फिर जियो नेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कैपिटल 8006 आपको स्पेस देना होगा, स्मॉल में लिखना होगा जियो नेट। ठीक, तो आपको इसको भी ओके कर देना होगा। फिर इसके बाद आपको ये सब ऊपर छोड़ देना होगा, ये दो ऑप्शन छोड़ देने होंगे। फिर आपका देखिए यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यूज़र नेम में आपको लिखना होगा फिर कैपिटल A006, बस आपको यूजर नेम में इतना ही लिखना होगा। ठीक, फिर आपको ओके कर देना होगा। फिर आप देखिए पे नीचे आएंगे, आपको पासवर्ड भी छोड़ देना होगा। यहाँ पे आपको सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सर्वर पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखना होगा, इसको आप ध्यान से देखना होगा, www.jio4gplugin.in। तो आपको ध्यान से देखना होगा www.jio4gplugin.in। ठीक, तो आपको इतना लिखने का है, जिसको ओके कर देना होगा। ठीक, तो आपको फिर नीचे जाना होगा, आपको एक ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो आपके MCC और NC आपके एरिया कोड होंगे, ये तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेशन, आपको इसको ओपन करना होगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है PAP.CHAP, तो आपको इसको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये APN टाइप को छोड़ देना होगा, या APM प्रोटोकॉल पे क्लिक करना होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना होगा। फिर नीचे APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको लास्ट वाला ऑप्शन ओके कर देना होगा। ठीक, तो अब इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास बचता है, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा
बीयर का, ठीक। तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपको बीयर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये वाला LTE, फिर HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, ETGS और ये GPAS, आपको ये 7 या 8 ऑप्शन होंगे, 8 ऑप्शन है। तो आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको ओके कर देना होगा, ठीक। फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको सारी सेटिंग ध्यान से देख लेनी होगी, आपने सही सेटिंग भरी है, आपको सही से देखना होगा कि कोई सेटिंग गलत ना हो। जैसे मैंने सेटिंग भरी आपको वैसे ही सेटिंग भरनी होगी। सही सेटिंग भरने के बाद आपको नीचे ये मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। फिर आपका फिर से APN ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपने अभी जो बनाया है देखिए जियो 4G प्लगिंग का, तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना होगा। फिर आपके नेटवर्क जाएंगे, फिर से नेटवर्क सही हो जाएंगे, ठीक। अब आपको बता दें आपको करना क्या होगा। यहाँ पे आपको मैं स्पीड चेक करके दिखा दूँ। यहाँ जैसे मैंने अपना ब्राउज़र क्रोम ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पीड जो टेस्ट आता है स्पीड टेस्ट, तो मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से। तो देखिए आपको ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस पर यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक किया है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये नेटवर्क थोड़ा लेता है, टाइम लेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए 25 MB, 27 MB, ठीक, 29 MB, 30 MB, तो 31 MB तक मैक्सिमम स्पीड ले रहा है। अभी आपको दिखा देगा कितनी स्पीड यहाँ से लेगा, ये 32 MB तक ये मेरी जो स्पीड है वो ले रहा है। अब ये देखिए 32.56, ठीक, यानी 32 MB/s ये मेरी स्पीड उठा रहा है। यानी जितनी 5G की स्पीड आती है उतनी मेरी ये 4G में स्पीड उठा रहा है 32 MB/s, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेटिंग से आप कितना अच्छा अपने, यानी गेमिंग हो या फिर यूट्यूब देखते हो, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से अच्छा आपका नेटवर्क आ सकता है। फ़ोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गेमिंग में आपको कोई भी लैगिंग नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से अपने इंटरनेट को अच्छा सा अच्छा बना सकते हैं। यानी आपकी अगर 4G सिम है तो 5G के, यानी जिससे 5G में नेटवर्क आने वाले हैं, उसी तरीके से आप अपने फ़ोन की जो नेटवर्किंग है बढ़ा सकते हैं। या फिर कॉलिंग की दिक्कत होगी तो उसी तरीके से इसमें भी है कि आप बढ़ा सकते हैं। आप ये सेटिंग करके, सेटिंग में जो मैंने आपको सेटिंग्स बढ़ाई बताइए, आप इसको ध्यान से अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। दोस्तों एक यही छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।